फरुखाबाद में झमाझम बारिश ने शहर की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। हर बार बारिश से पहले नगरपालिका सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने का दावा तो करती है, लेकिन शहर में जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। एक बार फिर बारिश के बाद करीब करीब पूरा शहर सराबोर हो गया। कहीं सड़क पर पानी भर गया तो कहीं घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे बुरा हाल नीचे बसे मोहल्लों का रहा, जहां लोगों के घरों के अंदर कमरों तक में गंदा पानी भर गया। कुछ नहीं हो रहा है यहां पे, कोई काम नहीं हो। दो चार ट्राली मशीन धुला दी, बस उसके बाद में कुछ नहीं हो। कचरा निकल गया दो चार ट्राली, उसके बाद में निकाला के लिए हो गया, कुछ नहीं हो, सब बराबर हो गया। तो जो पैसा आता वो कहाँ चला जाता? खा लेते हैं नेता लोग, क्या करते हैं ठेकेदार, नेता लोग मिलकर तो खाते हैं। शहर की नालियों की सही तरह से सफाई न होने से सड़क पर पानी भराता है। सड़कों पर जलभराव होने से आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पालिका के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हर चीज की परेशानी है, और निदर भी ना भाई, मत वोट दो। माता जी, बहन जी, बुआ जी, भाभी जी, ध्यान रखना, समझे? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जो पैसा आ रही है खा भी जा रही है। वहीं जब शहर में जलभराव की समस्या पर अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार से बात की गई, तो उन्होंने भी माना कि शहर में मई जून महीने में नालों की सफाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। जलभराव की यहाँ पे एक नहीं, कम से कम जो है दर्जन घर ऐसे स्थल हैं जहाँ पे जलभराव की शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं। उसके पीछे कारण यही रहा है कि शहर के नालों को जो अप्रैल मई और 15 जून के पहले जो साफ कराया जाना चाहिए था, वो सफाई नहीं कराई गई है। इस वजह से वो जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन वर्तमान में आपका जो तलैया और मदारवाड़ी का जो अंडरग्राउंड नाला है, वो 500 मीटर अंडरग्राउंड नाला है, उस पर सफाई का काम चल रहा है, और 500 मीटर में 350 मीटर हो भी गया है। अब 150 मीटर बचा है, आपको यह मान के चलिए कि 10 दिन का और काम है, तो 10 दिन में वो अंडरग्राउंड नाला साफ हो जाएगा, तो आपको तलैया और मदारवाड़ी वाली जो समस्या है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा जैसे वो जा करके अंगूरी बाग में निकलता है नाला, तो अंगूरी बाग से लेकर के और अगले ढलान तक 278 मीटर है। अभी 4 दिन पहले हमने उसके पैमाइश करा करके और उस पर नाला सफाई के लिए हमने टीम लगा दिया है, तो ये भी एक हफ्ते के अंदर आपको साफ हो जाएगा। तो इधर की जो समस्या है हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। फिलहाल अधिकारी जल्द ही जलभराव की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर बारिश से पहले इस समस्या का हल क्यों नहीं निकला, और आखिर क्यों हर बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।